ये हैं राजकुमार उर्फ राजू। पिछले 26 सालों से दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के बाहर ये अपनी रेहड़ी लगाते आ रहे हैं। रेहड़ी पर छोले चावल और छोले कुलचे बेचने वाले राजू अपनी इसी रेहड़ी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन निगम की कमेटी का डर इन्हें हमेशा ही सताता रहता है। ना जाने कब कमेटी आ जाए और इनकी रेहड़ी उठा कर ले जाए। कभी कभी तो पुलिस और निगम कमेटी की वजह से इनके घर का चूल्हा तक नहीं जल पाता। 25-26 साल हो गए जी लगाते हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें कि कभी भागना भी पड़ता है, कभी कमेटी वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले भगाते हैं, कभी प्रिंसिपल सर कहते हैं हटा लो आप यहाँ से, इस बारे हम हटा भी लेते हैं, उनकी कहना भी मानते हैं। कमेटी वाले आते हैं, भागना पड़ता है, कभी सामान गिर भी जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ मतलब कि दाल रोटी नहीं भी बन पाती है, खर्चे के लिए, गुजारे के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये चीज़ें करते हैं। जब से इन्हें पता चला है कि सरकार इन जैसे तमाम रेहड़ी पटरी वालों के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है, यानी स्ट्रीट वेंडर बिल लाई है, तब से इनके चेहरे की चमक बढ़ गई है और उम्मीद की नई किरण भी जाग गई है। बहुत अच्छा रहेगा, हम तो कहते हैं सब भाइयों के लिए, अपने रेहड़ी पटरी वाले जितने भी हैं सबके लिए बढ़िया रहेगा। अगर ये लाइसेंस बना दे तो हमें भागना नहीं पड़ेगा। ये है कि अपना एक जगह खड़े रहेंगे, किसी का डर नहीं रहेगा, ना पुलिस वाले का ना कमेटी वालों का। जैसे सामान हमारे गिरते हैं वो गिरेंगे नहीं, जैसे रेड़ी ले जाते हैं रेड़ी लेके जाएंगे नहीं। रेड़ी अगर पकड़ी भी आती है तो हमारे को चलान कटवाना पड़ता है, 3,000-4,000 रुपये मांगते हैं, हम कहाँ से देंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पालने पड़ते हैं ये रेड़ी पटरी से ही, तो हम 4,000 रुपये कहाँ से देंगे। केंद्र सरकार के स्ट्रीट वेंडर बिल में नई वेंडर पॉलिसी के मुताबिक अब देश भर के हर राज्य में जनसंख्या के हिसाब से रेहड़ी पटरी वालों की संख्या निर्धारित कर उन्हें रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने की अनुमति दी जाएगी। पटरी वालों पर पुलिस प्रशासन की ज्यादती के कथित आरोपों को देखते हुए स्ट्रीट वेंडर बिल में हर शहरी इलाके में एक या अधिक टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 50% नुमाइंदे सरकार की ओर से नियुक्त होंगे, जिसमें पुलिस, स्थानीय प्रशासन, हेल्थ विभाग के अधिकारी भी होंगे, जबकि 40% हिस्सेदारी स्ट्रीट वेंडर की और 10% उनके संगठनों के प्रतिनिधियों की होगी। हर शहर में 5 साल में पटरी दुकानदारों को लेकर सर्वे किया जाएगा और उसके आधार पर नए पटरी दुकानदारी सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर फैसला भी किया जाएगा। राजू, जैसे कितने ही ऐसे लोग हैं जो काफी सालों से रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है, कभी तो पुलिस का डर तो कभी नगर निगम की कमेटी का। लेकिन स्ट्रीट वेंडर बिल इन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली।